कहां पर हो रहा है पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान? जमानत के बाद आज लालू यादव की रिहाई संभव। कहां बेटे ने सड़क पर छोड़ा लेकिन पुलिस के जवान ने अस्पताल पहुंचाया। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 रश। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा समेत प्रदेश के 20 जिलों में मतदाता मतदान कर रहे हैं। आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आज करीब 3.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज रिहाई मिल सकती है। परिवार के मुताबिक लालू अभी इलाज के लिए अस्पताल में ही रहेंगे। लालू का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। लालू यादव को दुमका कोषागार निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का रविवार शाम लंबी बीमारी के चलते 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो पिछली काफी समय से गुवाहाटी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने उनकी मौत पर ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि उनके निधन से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। यूपी गेट बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रविवार देर रात एक्सप्रेसवे की मुख्य लेन से बैरिकेटिंग को हटा दिया। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली लेन अभी तक बंद थी, उसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसान आंदोलन की वजह से यहां पिछले करीब 5 महीनों से यातायात बंद था। पंजाब के अमृतसर में रविवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति की ओर से कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत की गई। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा। मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने 25 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके अलावा 20 लाख रुपए की नकद और 40 किलोग्राम से ज्यादा गांजा भी बरामद किया है। मामले में 3 ड्रग्स पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही राजू राम ने बुजुर्ग को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया। बुजुर्ग का बेटा उन्हें कोरोना संक्रमित समझकर उन्हें छोड़कर चला गया था। राजू राम दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में तैनात है। दिल्ली से रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण देश के कई राज्यों पर क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि झारखंड, मिजोरम, असम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत ज्यादा संवेदनशील हैं। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड पर भी खतरा बना है। बाबा बर्फानी के पूर्ण आकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 14 अप्रैल को शूट किया गया था। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने वायरल वीडियो पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।